बड़े ऊंचे सूटरों में मानिए, मरवाने वाला उनको कोई नहीं। वैसे तो आतंकवादी था वो, कर रहा होगा से बाहर जाते मार देंगे। ठीक रहा मर गया तो वो बहुत तगड़ा बदमाश था। नमस्कार, स्वागत है आपका, स्वागत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। आता हूं जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर जो हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल साफ तौर पर निकल के सामने आ रहा है, जिस तरीके से विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जिन गुंडों ने अतीक अहमद की हत्या की, हत्या के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, आखिर उसका क्या मतलब है। इसको लेकर विपक्षी जो तमाम नेता है वो दरअसल बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करे, उसी पर लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस पक्ष को, इस मसले को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या हो गई, क्या कहेंगे इस पे? अतीक अहमद की हत्या होने के बारे में ऐसा है कि अगर उसने गलत काम किए थे तो उसका मर्डर हो गया, और आज के जमाने में तो वही बात है कि जो जैसा करेगा वो उसको भरेगा। क्या लगता है किसने मरवाया है? नहीं, मरवाया किसी ने नहीं, वो अपना ये जो जितने भी हत्या, जो तीनों हत्यारे हैं, इन्होंने अपना नाम ऊपर करने के लिए उसकी हत्या की। तो नाम ऊपर करने के लिए अगर हत्या की है तो उनके पास 9 लाख की पिस्तल कहाँ से आ गए? इतने अमीर तो पिस्तल जब कोई बदमाश बनेगा तो वो तो अपने आप खरीद जाएगा, कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा। टर्की की पिस्तल आई थी? हाँ, टर्की की हो या कहीं का नाम है ऑस्ट्रेलिया की हो या अमेरिका की हो, वो तो अपने पैसों से कहीं ना कहीं से इंतजाम करके करेगा। तो आपको लगता है ये कोई आम जो चोर और ये शूटर्स होते हैं, आम जो ये छोटे मोटे चुच्चा होते हैं, क्या ये इतनी बड़ी पिस्तल अरेंज कर लेंगे? ये छोटे मोटे का नाम है शूटर नहीं है, इनको आप बड़े ऊंचे शूटरों में मानिए, जबकि वो पहले कई सालों से अपना हिसाब किताब बनाए हैं और कई उन पर केस भी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने उनको मरवाया। इन्होंने अपने आप अपना नाम ऊपर करने के लिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि गुड्डू पंडित जो उसके साथ में था उन्होंने मरवाया, उसने मरवाया तभी फरार हो गया। नहीं, कोई गुड्डू पंडित नहीं, वो तीन ही आरोपी हैं। हाँ, तो पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, नए नए आधार कार्ड उनके निकल कर सामने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कुछ? नहीं, कोई मरवाने वाला उनको कोई नहीं, वो अपना नाम ऊपर करने के लिए उन्होंने उनका शूटर किया, मतलब सिर्फ नाम ऊपर करने के लिए। कोई राजनीतिक रंग कुछ नहीं? कोई राजनीति कोई रंग नहीं, सिर्फ उन्होंने गुंडा बनने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए कह सकते हैं ये हत्या की है। वैसे तो आतंकवादी था वो। था तो गुंडा। हाँ, तो लेकिन उसने गलत भी बहुत करा है। जैसा होगा उसके साथ क्या कर सकते हैं? अभी आप कहते हैं कि उस साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं? तो क्या होना चाहिए था? तो उम्र कैद की सजा सुनाते मानना नहीं चाहिए था उसको, सजा होती लेकिन तरीके से होती है। गलत करा उसको, फिर मार के एनकाउंटर में मार दिया उसे। गलत करा वो, तो उम्र कैद हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। उसे ऐसे मारना नहीं चाहिए था। जो अतीक अहमद का बेटा जो उमर अहमद है, बड़ा वाला बेटा जो है जेल में है, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो जेल में है, उस पर भी कई आपराधिक केस दर्ज है। उम्र कैद की सजा सुना देनी चाहिए, लेकिन फांसी नहीं देनी चाहिए उसे। वो अपनी गलती के एहसास होगा, तड़पा तड़पा के मानना चाहिए। नहीं, अतीक तो मर गया, अब उसका बड़ा बेटा जेल में है, जेल में रहने देना चाहिए। रिहा नहीं होना चाहिए वो। अगर रिहा होगा से बाहर जाते मार देंगे। कौन मारेगा? एनकाउंटर में मार सकते हैं उसके, आतंकवादी मार सकते हैं, और भी गुंडे भी बहुत हैं उसके लिए, तो गुंडे दुश्मन भी बहुत हैं उसके, मार देना चाहिए। इसलिए उसे रिहा ही नहीं करना चाहिए, अंदर उम्र कैद की सजा सुना देनी चाहिए उसे। गुड्डू मुस्लिम का नाम सुना है? नहीं, उसका तो नहीं। उसके सरगना के मेंबर था। अच्छा, ये भी लोग कह रहे हैं कि उसने मारा है। अच्छा, आपने वीडियो देखा जो के मतलब वीडियो आया था? देखा है वीडियो। तो उसके पीछे जो लोग हत्या, जो तो तीन शूटर थे जो हत्या कर गए, जय श्री राम की नारे लगा रहे थे उसके बाद। अच्छा, जो अतीक अहमद की हत्या जब हुई तो जय श्री राम की नारे लगे, जिसको विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी गुंडों ने मारा है, उन्होंने मरवाया है, क्या बोलेंगे? अब किसी को मारेगा तो उसका भी तो टाइम आएगा, ये उसी का चलता रहेगा। ये भी सरकार का दोष थोड़ी ना है, अब सरकार ने मरवा दिया, जिसने जैसा कराया वैसा भर लिया। आप बताओ भाई, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी में कहाँ के? संभल। संभल, क्या रे बाप रे, बड़ा खतरनाक क्षेत्र है संभल, गुंडागर्दी बहुत है वहाँ पे। हाँ, वहाँ तो अच्छा काफी है। आप भी वहीं के हो? अच्छा, अभी अतीक अहमद का नाम सुना जो मरा, भी जिसको मारा गोली मार के, क्या बोलोगे? हमने कुछ नहीं, मर गया तो ठीक रहा, ठीक रहा मर गया तो। वो बहुत तगड़ा बदमाश था ना। अब उसका जो बेटा जेल में है, जेल में वो कह रहे बाहर आके बदला लूंगा मैं। वो बदला लेगा, उसको भी मार देना चाहिए। मार देना चाहिए? और क्या? कौन मारेगा? जिसको अतीक को मारा है वही मारेगा।
कोर्ट काय के लिए बैठा हुआ है? अगर कोई बंदा दोषी है और अगर उनने कोई जुर्म करा है तो उस बंदे को सजा कोर्ट देगा। जब फांसी की सजा भूल चुकी थी और भाई और जो केस है उसमें भी फांसी की सजा होती है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। और इस तरह से हत्या तो एक जानबूझ के साजिश होती है और क्या है। नहीं, विपक्षी नेता ये बोल रहे हैं कि जो जो भी गुंडे ऐसे मारपीट करते जय श्री राम के नारे लगाते तो बीजेपी के गुंडों ने मारा, वो ये कह रहे, सही कह रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करता है वो ना ही बीजेपी का होता ना ही सपा का होता है, वो इंसान गलत तो गलत होता है। देखो ये जो अतीक अहमद था, इनने भी जो गलत करा था उस चीज की उसे सजा मिली, हालांकि कोर्ट उसे सजा देता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन मेन मकसद ये है ना कि अब जो उसका ये मर्डर हुआ तो इस बात में लोगों को ऐतराज है कि भाई इनने गलत करा है, तो ये सबकी नजर में है, यही गलत है और क्या है। अब शाइस्ता परवीन जो है वो फरार है, गुड्डू मुस्लिम फरार है, ये बताइए शाइस्ता परवीन जब पूरा घर मर गया अकेली, शाइस्ता परवीन फरार है उससे क्या होगा? वो कोई ग्रोह थोड़ी बना के घूम रहे हैं। गैंग तो होगा ना फिर भी? कुछ नहीं, गैंग वैंग है। जो गैंग होता है ना, जब उसका मेन कलाकार मेन ओनर जब मर जाता है ना, तो गैंग अपने अपने घर निकल लेते। कड़ियां तो जुड़ी होती है ना, कई जो खुलासे होने होते हैं, जो किया होता है। खुलासा हो तो रहा है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, अब ये वही है। अब देखो किसका नाम आता है तो पता चलेगा। तो आपको लगता है कि शाइस्ता परवीन को कुछ नहीं मालूम होगा इस विषय में? अब भाई वो शाइस्ता परवीन जाने, उन्हें कुछ पता है या नहीं है, हम इस बात में भी आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। जो लगे हुए हैं भाई, जिनने गलत करा है वो गलत का हकदार है, शाइस्ता परवीन हो या कोई भी हो। अगर उनने गलत करा होगा तो उस चीज की सजा उन्हें मिलेगी, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। बाकी ठीक हुई कार्रवाई? वो तो कार्रवाई तो ठीक ही चल रही है, अब देखो छानबीन हो रही है, क्या है उसका मुद्दा, वो सब सामने आएगा वक्त आने। मर्डर है, मर्डर है, ये जानबूझ कर ये पुलिस के अकॉर्डिंग मर्डर हुआ है। जब कानून बना हुआ है इस देश में तो कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाती है। ये एक सरासर एक जुर्म है, ये गलत है। किसने मारा आपको क्या लगता है? साजिश शब्द क्या, किसका नाम लो, गलत हुआ है। जाती क्या, अच्छा इंसान था? अच्छा हो या बुरा हो, जब उसने जुर्म किया है तो उसको कानून का अकॉर्डिंग ही सजा दी जाती है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि सजा कानून देता तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, जो जब शूटर ने हत्या करी, हत्या के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, गलत है वो, गलत है। जय श्री राम के नारे लगाए, अब इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर यही कंडीशन नहीं इस देश में तो बहुत ज्यादा खून खराब हो जाएगा, ये इतना खून खराब हो जाएगा देश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उधर अगर जो मतलब ये मुस्लिम जो समुदाय है, अगर इन्होंने एक बार एक्शन ले लिया फिर कौन बचाएगा? खाली मतलब खुलेआम हत्या मर्डर, मतलब खून खराबा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बहुत गलत हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के। क्या शुभ नाम है? परवेज। परवेज, तो आपको लग रहा है परवेज की मुस्लिम एंगल की वजह से उसको मारा गया क्योंकि मुसलमान था वो, ऐसा कुछ? मारा गया तो सही, अगर उसने गुनाह किया है, गलती है उसकी तो वो सही है, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग सजा मिलती तो बेहतर होता। मतलब था वो गुंडा ही? अब तो उस देश में उनको मालूम है गुंडा है कौन है क्या है। नहीं, इसमें कई आपराधिक मामले दर्ज है ना? आपराधिक के मामले तो बहुत सारे दर्ज है, राधे पता तो उसको मतलब बहुत सारे हैं ऐसे जो जिनका एक्शन नहीं लिया जा रहा कुछ भी। अच्छा अच्छा, अब उसका जो बेटा है, जो बड़ा वाला जो बेटा है अतीक अहमद का, अमर अहमद जो है, असद तो मारा गया ना, अमर अहमद जो है वो ये कह रहा है कि मैं जेल से बाहर आऊंगा तो बदला लूंगा इसका, क्या सही है गलत है, क्या लगता है उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा, क्या लगता है? फैमिली का एक ये सदस्य मरा है तो एक्शन तो लेना बनता है उसका, लेकिन ये गलत है, गलत है वो तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, इस तरीके से सजा नहीं होनी चाहिए थी। हाँ। अगर वो बोल रहा है तो सबर करे, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर वो एक्शन लेगा तो फिर उसके जो साथी हैं और दूसरे पार्टी के साथी हैं वो फिर होगा खून खराब होगा, तो इससे बेहतर है कि सबर करे और कानून को नहीं चले सके। खून खराब कौन करेगा? वही जो मतलब दोनों पार्टी, जैसा भी अतीक का मर्डर हुआ है, ये गलत तरीके से मर्डर हुआ है ना, ऊपर से मर्डर करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ये बहुत गलत हुआ है। अगर जो होता तो कानून का कोई सजा होती, क्या फांसी की सजा हो जाती? पहली बात तो उसको उम्र कैद हो गई थी, तो उसका अकॉर्डिंग निकालने के बाद उसको मर्डर कराया जाना चाहिए। अब जैसे भी ये बेहतर ही है, चलने दो, जैसे अभी तक सरकार इनकी है, सरकार चेंज होती है देखते हैं, सुकून आएगा। अभी तो रोजगार ही नहीं है, रोजगार के मुद्दे बात करोगे तो बेहतर होगा। दोनों परेशान है, युवा डिग्री ले लेकर हाथ में घूम रहे, जला रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत लाइट में लेकर आइएगा।
परवेज साहब ये इनका साफ तौर पर कहना है, हालांकि लोगों से भी बात की हमने, कई लोग सही बता रहे हैं कई गलत बता रहे हैं, हालांकि साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अगर जो जो हत्या हुई है ये दरअसल अगर कानूनी तरीके से होती तो कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्टि मिलती, लेकिन जिस तरीके से तीन शूटर आते हैं और अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं, दरअसल ये बड़ी वजह है कि ये सोच का विषय बन गया कि आखिर वो गुंडे कौन थे और किसके कहने पर अतीक अहमद की हत्या की, और हत्या के बाद आखिर जय श्री राम के नारे क्यों लगाए। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।